कनेक्टिविटी बहुत बढ़ाई है, मगर जो नीचे एरिया है, अंदर एरिया और जो सिटी की तरफ है, उसमें आपने थोड़ा सा कमी दिखाई है, क्या ऐसा है? देखिए रविंदर जी, कौन से लोग हैं जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? सियासी जमातों के लोग हैं जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मैंने जब मैं चुनाव में गया, मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैंने कहा, मैंने तभी असेस कर लिया था कि बिजली, सड़क, पानी, ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं, और ये तीन प्रमुख समस्याओं के साथ साथ हमारे तीन ही भाग हैं, तीन ही खिते हैं, कंडी, अंदर और शहर। आप जहां तक आप कह रहे हैं कि आपका फोकस ध्यान कंडी की तरफ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपने नगरी पल्ली रोड की कंडीशन देखी हो, हमारे कार्यकाल में बनी। ओएस के रोड हमारे कार्यकाल में बनी। नगरी फतेहपुर रोड कभी आज तक बनी थी? हमारे कार्यकाल में बनी ना। उसके बाद पंडोरी का पुल जो काम शुरू हुआ है 44 करोड़ रुपए का, हमारे कार्यकाल में हुआ। 106 करोड़ रुपए का कीड़िया के कंडियाल का ब्रिज का जो काम है, ये हमारे कार्यकाल में हुआ। आज नगरी का अस्पताल कंप्लीट होने पे है, ये हमारे कार्यकाल, हमारे एफर्ट्स की वजह से है कि हमने जो अमाउंट रिलीज करवाया, क्योंकि योजनाएं बड़ी बनती हैं, मगर जो जो उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया, आपका पॉलिटेक्निक का इशू है, ये सारे जो क्षेत्र मैं गिना रहा हूँ, अच्छा, ये सारे अंदर के हैं। नंबर एक, इसमें अगर PMGSY की रोड बनाई, तीन उधर रखी, दो नीचे भी रखी, सुम्बावरगढ़ है, पागे चक वाला है। उसके बाद मेरे पास नबार्ड का एक प्रोजेक्ट आया, उस नबार्ड के प्रोजेक्ट का सबसे पहले प्रोजेक्ट मैंने आपका ये बोलेदा बंद से लेकर पल्ली मोड़ तक, ये भी अंदर का इलाका है। और ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग कहते हैं, अब मैं शहर की बात बताऊं, अगर कहीं थोड़ा सा कहीं फर्क है तो शहर में, उसके दो तीन कारण है। उसके कारण है फंड का अभाव, मगर उसके बावजूद भी जो हमें एक रूटीन में जो पैसे मिलते हैं शहर में, एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्लान रहता है, एक IDMT रहता है, वो 60-70 लाख रुपए की राशि है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपका कठुआ शहर से लेकर कालीबड़ी से लेकर कॉलेज तक का आपका रोड कंप्लीट है, वहां से लेकर ड्रीमलैंड पार्क बाय सुनील चौक तक का आपके हमने ब्लैक टॉपिंग करवाई है, तो ये भी शहर में पड़ता है। आपका बेनिया पत्तन रोड, ये भी शहर में पड़ता है। आपकी कृष्णा कॉलोनी, ये भी शहर में पड़ती है। आपका पटेल नगर जाके आज देखिए पोजीशन, ये भी शहर में पड़ता है। आपका शिवानगर, जिस शिवानगर में बहुत दयनीय हालत थी, मैंने अभी अभी थोड़े दिनों में 3-4 महीने के अंतराल में कुछ टेंडर इन प्रोसेस है, कुछ टेंडर इन प्रोग्रेस है, वो कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की राशि है। अगर इनका जमा जोड़ करें, इन दोनों क्षेत्रों का, मैं कंडी की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपकी इनकी बात बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो शहर के लिए जो रिक्वायर्ड जो काम जो बाकी है, जैसे कॉलेज से लेकर हटली मोड़ तक टेंडर हो चुका है इसका, और इसके साथ साथ ठांगरी टू कुकेचक इसका टेंडर हो चुका है, कुकेचक टू चकदेसा सिंह, कुकेचक टू चानगरा, ये सारे शहर के इलाके हैं। और इसके साथ साथ ये जो ड्रीम लैंड बना, ये भी शहर में बना, और इसके साथ साथ शहर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हम हर कहें, क्योंकि शहर जो एग्जिस्टिंग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमारी ये कोशिश थी, प्रयास था कि इसको जो हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, क्यों तो मेडिकल कॉलेज मिले, परसों पिछले 2-3 दिन पहले ये भी फैसला हो गया है, ये शहर है। अब आप बताइए, आपने मेरे को आरोप लगाया है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने शहर में किया, शहर में नहीं किया, कड्डी में किया, या अंदर में किया, या कड्डी में नहीं किया, ठीक है? इसी सही कह रहे हैं रविंदर जी, अपनी सवाल कर रहे हैं, चूंकि पहला एक नया आयाम कठुआ